दोस्तों ऐसा अपडेट जिस अपडेट को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं। सबसे पहले अभिषेक क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS बिना कोई एग्जाम्स वाली भर्ती आ रही है। साल 2023 में 50,000 से अधिक बच्चों को बिना एग्जाम्स दिए डायरेक्ट नौकरी लगा दिया। फिर से अगर कोई बच्चा रह गया है जिसने 10वीं पास कर ली है, शानदार मौका है, सुनहरा अवसर है इस भर्ती में। चूक मत जाना, फॉर्म जरूर अप्लाई करना। आइए GDS साइकिल 6 भर्ती के बारे में जरूरी जानकारी ले लेते हैं बिना टाइम गवाए। अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा दीजिए। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस खुशखबरी, GDS नई भर्ती है डाक विभाग की तरफ से। साइकिल 6 GDS में BPM, ABPM और डाक सेवक तीन प्रकार के पद आते हैं। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। बड़ा अपडेट, कुल कितनी सीटों पर साइकिल 6 का नोटिफिकेशन आएगा? सबसे पहले ये अपडेट मैं दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद ढेरों सारी YouTube पर वीडियो आने वाली है, ध्यान रखना। साइकिल 6 30,000 से अधिक पदों पर आ रहा है, ठीक है। 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ, उसका कारण सुनिए। साइकिल 6 भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले चयन प्रक्रिया में बदलाव होना जरूरी है। नए अभ्यर्थी, रुकिए थोड़ा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्शन होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज रहती है, तो थोड़ा आप इसको सुनिएगा, ठीक है। आपकी जिंदगी का सवाल है दोस्तों, चयन प्रक्रिया में बदलाव। दोस्तों सबसे पहले तो 10th क्लास की मार्कशीट को अपलोड किया जाना चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय, जरूरी बात है। सेकंड नंबर, सारी पोस्ट भरी जाए जब तक लिस्ट आती रहे। आपको पता है नोटिफिकेशन आता है, 40,000 वैकेंसी आई, 40,000 में से 30,000 ही भरते हैं और 10,000 सीटें ऐसे ही चली जाती है, तो उनको अगली भर्ती में देते हैं। तो ये बड़ा एक नुकसान है, ये पता भी नहीं होगा आपको, क्योंकि GDS में कोई ITI वगैरह से आप रिप्लाई ले ही नहीं सकते, आपको मालूम ही नहीं चल सकता। लेकिन हमें तो पता है ना, हर साल यही होता है, इसलिए हम चाहते हैं जितनी भी पोस्ट पर GDS का नोटिफिकेशन आए सारी सीटें भरी जाए, ठीक है। तीसरी बात, भारत देश के अंदर 10th क्लास से सीधा बिना एग्जाम्स के 11वीं क्लास में बच्चे हो गए हैं, उनकी 100% बन गई। ये कोरोना में जब प्रमोट हुए ना तब बनाई गई थी, ज्यादातर इनमें CBSE कैंडिडेट्स हैं दोस्तों। तो जो 100% बनाकर बैठे हैं इनके लिए रिजर्व सीटों का कुछ परसेंट दे दिया जाए। जैसे यहां पर साइकिल 6 का नोटिफिकेशन आ रहा है 30%, अरे 30% में 10% उनको दे दीजिए कि जिसकी 100% है 10% सीट अलग से उनकी है, ठीक है। नेक्स्ट, 70%, 80% और 90% इनको भी नौकरी दी जाए GDS की। क्या ये इंसान नहीं, क्या ये बेरोजगार नहीं, क्या इनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है, क्या इनकी फीलिंग्स नहीं है? ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? 2-3 साल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन GDS की नौकरी नहीं लग रही, उसका कारण मैंने आपको ये बता दिया। कौन सा कारण? 100%। ज्यादातर सीटें खा जाते हैं 100% बनाने वाले स्टूडेंट्स, तो जो उसको, तो जिसने 90% मेहनत से बनाया उसको तो नौकरी मिलती नहीं और 100% वाला ले जाते हैं। बाकी आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे, चाहते हो आप बदलाव
तो बदलाव चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको नौकरी की जरूरत नहीं है तो मत कीजिए, अगर जरूरत है बिना एग्जाम्स के तो पहले इस GDS के सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया में बदलाव होने जरूरी है, और बदलाव अगर नहीं हुआ तो सोचना भी मत कि आपका नंबर आ जाए, चाहे आपकी 90% क्यों ना हो, क्योंकि 90% से अधिक 100% होता है, और भारत देश के अंदर 100% बहुत अभ्यर्थी बनाकर बैठे हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन जुलाई में आ रहा है, लास्ट में 100% सटीक जानकारी है। क्वालिफिकेशन वही 10th पास रहेगी, कोई पागल बना रहा है तो पागल ना मानिए, बहुत सारे किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बोल रहे हैं 12वीं क्वालिफिकेशन होने वाली है, नहीं दोस्तों, केवल 10वीं पास रहेगी। आयु सीमा 18 से 40, तो जनरल EWS, OBC को 3 साल, SC ST 5 साल, फीमेल 5 साल, और PH को 5 साल की छूट है। एप्लीकेशन फीस आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो जनरल के हो तो 100 रुपये रखेगी, बाकी SC ST कोई आवेदन फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा, फॉर्म अप्लाई करने के 10 से 15 दिन बाद आपकी 10th की परसेंटेज को देखकर मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो ट्रेनिंग हो जाएगी, और ट्रेनिंग होने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। यही GDS का सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, एक ऐसा अपडेट दिया है दोस्तों, जिस अपडेट को सुनने के बाद आपको खुशी मिली होगी, लाइक का बटन दबा दीजिए, बने रहिए इस चैनल के साथ पल पल की। अगर आपको अपडेट लेनी है वो भी झूठी नहीं एकदम सटीक, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ रही है फिर से भर्ती, इस बार हमसे पूछकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन सी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, किस डिविजन्स को चुनना है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जल्द नोटिफिकेशन आपके नजदीक है, तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट्स रखकर, सबसे पहले अपडेट दूंगा, विश्वास कीजिए। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।